नमस्कार दोस्तों, ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। पैटर्न प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज में मैं नेक्स्ट पैटर्न आपको बताने जा रहा हूँ। वो जो कौन सा पैटर्न है मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ एक बार, कि जैसे मैं लाइन नंबर 9 दे देता हूँ तो आपके पास इस तरह से एक पैटर्न डिज़ाइन होता है। तो इस पैटर्न को अगर आपको ड्रॉ करना है तो इसके लिए आपको क्या लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको लाइन नंबर को बढ़ा देता हूँ, चलिए मैं इसकी जगह मैं 15 लाइन नंबर दे देता हूँ। यू कैन सी दैट दैट इज़ गोइंग टू बी प्रिंट। तो ये आपको प्रिंट करके दिखाएगा 15 लाइन का। तो टोटल नंबर लाइन जो होता है 15 है, और ये इस तरह से आपके पास एक पैटर्न जनरेट होगा। सो हाउ टू जनरेट दिस काइंड ऑफ पैटर्न, उसके लिए लॉजिक क्या होगा, बहुत बेसिक लॉजिक है, उसको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ क्योंकि कोड ऑलरेडी मैं बना के रखा हूँ, बस उसको एक्सप्लेन करूंगा ताकि शॉर्ट वीडियो में आपको सारी चीजें पता चल जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि इसके लिए बेसिक क्या है, क्योंकि ये जो प्रोग्रामिंग है ये इस टाइप के पैटर्न करने के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप की सोच आपको डेवलप करना पड़ता है। तो देखिए, सोच बहुत सिंपल है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि पैटर्न डिजाइनिंग के जो भी आपका प्रोग्राम है उसमें आपको सिर्फ पैटर्न को समझना है, पैटर्न आपसे क्या कहना चाह रहा है उसको देखिए। तो पैटर्न में दो चीजें होती है इंपॉर्टेंट, एक होता है स्पेस प्रिंटिंग और एक होता है कैरेक्टर प्रिंटिंग। तो स्पेस प्रिंटिंग अगर आपके पास है तो उसको आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा, उसके बाद कैरेक्टर प्रिंटिंग है तो कंसिडर करना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न में अगर आप देखेंगे इसमें दो टाइप की स्पेस प्रिंटिंग है, तो दोनों को समझाने के लिए मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने के जा रहा हूं जिससे क्या होता है। तो देखिए, हमारा जो लाइन नंबर है 1 2 3 5, तो इसके लिए इस पैटर्न डिजाइनिंग के लिए एक मैंने मेन कंस्ट्रेंट रखा है, आप उसको चाहे रख सकते हैं नहीं भी रख सकते हैं, वो है कि ऑड नंबर ऑफ लाइंस अगर आप देंगे तो ही अच्छे से ड्रॉ होगा, और इवन नंबर ऑफ लाइन देंगे तो भी काम करेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। मैं देखूंगा, अगर प्रॉब्लम होता है तो इसका मतलब है हमारे कोड जो होता है वो ऑड नंबर ऑफ लाइन के लिए अच्छा काम करेगा। तो चलिए देखते हैं क्या से पॉसिबल है अगर ऑड नंबर रन करके देखेंगे बाद में। तो हमारा जो लाइन नंबर है 1 से लेकर 9 तक है, क्योंकि मैंने बता दिया कि ऑड नंबर ऑफ लाइन होना चाहिए। अब इसमें दो तरीके के प्रिंटिंग होती है, यानी दो तरीके के स्पेस की प्रिंटिंग है। एक होता है कि नॉर्मल स्पेस, आप देख सकते हो यहाँ मैंने डैश लाइन से आपको शो किया है, तो दिस स्पेस इज एक्चुअली नॉर्मल स्पेस, और इस स्पेस को मैं कैपिटल एस से शो कर रहा हूँ, तो दिस इज आवर स्पेस, यानी टोटल क्या होगा। तो इस चीज को हम लोग पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि कितने स्पेस है, उसके साथ कैसे सिंक्रोनाइज है, और फिर कोड में हम एक दूसरे का इस्तेमाल करके स्पेस को कैसे जनरेट करेंगे, यानी स्पेस को कैसे काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और प्रिंट कैसे होगा। तो सबसे पहले तो मैंने आपको समझा दिया है कि पहला जो स्पेस है जो डैश लाइन से है वो स्पेस कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब आ जाते हैं वैल्यू जो दिया हुआ है उसको बाद में डिस्कस करूंगा। अब आ जाते हैं प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग में आपके पास जो मैं दिखा रहा हूं आप ध्यान से देखिए, लाइन नंबर 1 में एक कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है, यानी कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है, स्पेस 0 है, कोई प्रिंट नहीं हो रहा, और सेकंड कैरेक्टर है ही नहीं यहाँ पे, पहला हो गया। दूसरे लाइन नंबर पे आप देखेंगे तो एक कैरेक्टर पहले प्रिंट हो रहा है, फिर जो होता है स्पेस, मैं आपको बता रहा हूं, अब मैं आपको बताने आया हूं, एक स्पेस प्रिंट हो रहा है, ठीक है, फिर एक कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है, ओके। अब तीसरे लाइन नंबर पे एक कैरेक्टर पहले हो रहा है, फिर कितना स्पेस होगा, तो आप देख सकते हैं कि पहले एक स्पेस था, अब 3 स्पेस हो रहा है, फिर उसके बाद जो होता है 5 स्पेस हो रहा है, फिर 7 स्पेस हो रहा है, फिर जो होता है आप देख सकते हैं 9 स्पेस हो रहा है। तो इस तरह से आपके पास इंक्रीज हो रहा है, एक साथ हो गया, फिर उसके बाद फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर 5 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर जो होता है 1 हो गया, फिर 0 हो गया। तो आप देख सकते हैं एक लेवल तक वो इंक्रीज हो रहा है, एक लेवल में डिक्रीज हो रहा है। सेम एज यहाँ पे जो मेन स्पेस है वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे और यहाँ पे जो होता है सिंक्रोनाइजेशन डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेन जो स्पेस है, यानी जो कैपिटल लेटर से, यानी जो मेन जो डैश लाइन से रिप्रेजेंट हुआ वो अलग है, s इज इक्वल टू 4 से शुरू हुआ या s इज इक्वल टू 0 से शुरू हुआ, जस्ट ऑपोजिट है, यानी वो जैसे काम कर रहा है इसका उल्टा काम कर रहा है। तो यानी इस स्पेस के लिए हम कुछ और तरीके का प्रोग्रामिंग करेंगे, यानी कैसे करके हम इंप्लीमेंट करेंगे कि इनर स्पेस जो पहले वाला स्पेस प्रिंट हो, बाद में अंदर वाले जो स्पेस है वो कैसे प्रिंट हो। तो इसका मतलब है पहले लाइन को आप पहले देखिए, c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 0, यानी एक ही कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है, दूसरा कैरेक्टर प्रिंट नहीं हो रहा है, फिर c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। तो अगर आप ट्राई करेंगे तो इस पर्टिकुलर c से लेके इस c तक आपको एक सिमिलर पैटर्न मिल रहा है, यानी स्पेस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फिर स्पेस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और c जो होता है दोनों में एक एक कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है। बाकी पहला वाला केस, यानी पहला वाला लाइन और लास्ट वाला लाइन स्पेशल केस है जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है। तो कैसे करके हम ऐसी प्रोग्रामिंग करें, कॉमन प्रोग्रामिंग करें
कि ये सबके लिए काम करे, यानी सिर्फ पहले और लास्ट लाइन के लिए काम ना करे, यानी एक ही काम करे, दूसरा काम ना करे और बाकी के लिए स्पेस काम करे। तो वही चीज हम देखेंगे कि कैसे करके पॉसिबल है कि फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन, यानी फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर को प्रिंट करना है। तो ये डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। सेम एज स्पेस जो होता है 4321 है, तो ये 4321 कैसे जनरेट होगा, उसके लिए हम क्या कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिससे हम वर्क हो जाए, हमारा जो स्पेस नंबर ऑफ काउंट है वो जनरेट हो जाए। तो चलिए सी को मैंने माना प्रिंटिंग के लिए कैरेक्टर क्या होगा। अब आ जाते हैं कि एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू द सीपीयू या एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बेस पर, कि हमने एक वेरिएबल लिया है मिडिल एल यानी मिडिल लाइन के लिए। तो मिडिल लाइन को हम वन टाइम कैलकुलेट करेंगे और मल्टीपल टाइम यूज करेंगे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है इसको आप डायरेक्टली इस कोड में अप्लाई कर सकते हो, यहां पे रख सकते हो, मिडिल लाइन यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे क्या होगा कि अरिथमेटिक लॉजिक मल्टीपल टाइम इवैल्यूएट होगा, यानी मल्टीपल टाइम ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा, फिर माइनस होगा सी से, तो जो कि क्या होगा कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में मल्टीपल टाइम बर्डन आ जाएंगे, मल्टीपल टाइम वो प्रोसेस करेगा, हो सकता है कि आपका एग्जीक्यूशन माइक्रो सेकेंड में बढ़ जाए। तो लेकिन वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स की बात करते हैं तो दिस इज द राइट वे कि आप उसको वेरिएबल में स्टोर कीजिए और मल्टीपल टाइम उसको यूज कीजिए, क्योंकि कंपाइलर डिजाइन में ये कंसेप्ट आता है ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें ये चीज बताया जाता है कि हम किसी एक्सप्रेशन को जो कि बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है बट वो चेंज नहीं हो रहा है, बट एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसको क्यों ना हम लूप के बाहर ले जाए जिससे कि वो वन टाइम इवैल्यूएट होगा और मल्टीपल टाइम यूज होगा। तो इसीलिए हमने इसको वेरिएबल को हमने किया। तो ऐसी प्रोग्रामिंग आप भी प्रैक्टिस कीजिए, आपके भी प्रैक्टिस में ऐसी टाइप की प्रोग्रामिंग होना चाहिए कि जो एक्सप्रेशन कॉमन एक्सप्रेशन है उसको अगर उसका कोई चेंजेस नहीं आ रहा या मेजर रोल नहीं है इनर लूप में तो लूप से उसको बाहर ले जाइए। ठीक है, अब जैसे c इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 1 है, फिर हम मिडिल वैल्यू ले लिए उसमें n, यानी मिड पॉइंट, यानी i इज इक्वल टू 5 तक चलना चाहिए, मैंने n इज इक्वल टू 9 को बेस करके कर रहा है। तो ये आउटर लूप टोटल नंबर ऑफ लाइन के लिए है, 1 से लेके 9 तक चलेगा। इनर लूप फर्स्ट इनर लूप जो होता है प्रिंट करेगा, यानी टोटल नंबर ऑफ स्पेस पहले प्रिंट होना चाहिए, मैंने आपको दिखाया था डैश लाइन से जो स्पेस है, एक बार फिर दिखा देता हूं, ये जो डैश लाइन से स्पेस है, ये जो स्पेस है इसको हमको प्रिंट करना, तो ये प्रिंट हो रहा है सबसे पहले, फर्स्ट इनर लूप फॉर स्पेस प्रिंटिंग, जो मेजर स्पेस है यानी जो उसको प्रिंट कर रहे हैं। अब जाते हैं, अब एक्चुअल प्रिंटिंग हो रहा है किसके लिए हो रहा है, बीच का जो पोर्शन है वो प्रिंट करना है, जिसमें कि एक पहला कैरेक्टर उसके बाद स्पेस फिर दूसरा एक सिंगल कैरेक्टर प्रिंट होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो होता है कि हमको देखना है कि टोटल नंबर ऑफ उस लाइन में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना है। तो चलिए मैं वापस आपको रिविजिट करवाता हूं, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर आप देख सकते हैं यहां पे सेकंड फर्स्ट लाइन में 1 है तो दूसरे लाइन में 3 है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस की बात कर रहा हूं, तो 3 है। देखिए ये आपका पहला कैरेक्टर, बीच में स्पेस और एक, यानी 3, सेकंड में अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपके 5 है, तो यानी 1 3 5 7 का जो हमारा पास फॉर्मूला है वो काम कर रहा है, 1 3 5 7 इंक्लूडिंग स्पेस एंड कैरेक्टर की बात करो, खाली स्पेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं टोटल स्पेस एंड कैरेक्टर यानी पर्टिकुलर इस जो पोर्शन है उसकी बात कर रहा हूं, सेम एज मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, तो इस पोर्शन में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर एंड स्पेस कितना है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो उस कैलकुलेशन के लिए हम वापस आते हैं अपने कोड पे, उसके लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया कि 2 × c − 1, तो सिंपल सी बात है जितना हमारे पास कैरेक्टर है उतने इनटू 2 करेंगे और उसके बाद आएगा, क्योंकि जैसे c इज इक्वल टू 1 है तो शुरू में हमारे पास कुछ भी नहीं है यानी 0 है, तो 0 को लाने के लिए हमारे पास क्या होना था, क्योंकि हमारे पास 0 है फिर 1 है, इस तरह से हमारे पास 1 कैरेक्टर है, तो पहला 1 कैरेक्टर फिर 3 कैरेक्टर कैसे, तो c इज इक्वल टू 1 है तो 2 × 1 मीन्स 2 हो गया माइनस 1, तो यानी हमको 1 चाहिए था पहले मिल गया। अगर c इज इक्वल टू 2 यानी सेकंड लाइन में c इज इक्वल टू 2 जब हम इंक्रीज करेंगे तो c इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4, लेकिन हमको 3 चाहिए तो माइनस 1 करेंगे तो 3 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक वैल्यू आ रहा है यानी 1 3 5 7, तो उसके लिए अगर हम c को इस्तेमाल करते हैं जो कि c इज इक्वल टू 1 है, तो उसके बेस पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 2 × c यानी c का इस्तेमाल करने से 2 × c − 1 करने से ये एक्सप्रेशन हमको सही वैल्यू देता है यानी टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस जो मैंने अभी डिस्कस किया था, तो उसके लिए हमारे पास हो गया। अब देखिए हमको मिल गया उस लाइन के लिए टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर और टोटल नंबर ऑफ स्पेस। अब ये देखिए ये हो गया हमारा, अब आ जाते हैं, ये हमारा कंडीशन हो गया, अब आ जाते हैं कंडीशन पे हमने क्या लिखा। कंडीशन पे हमने लिखा कि जैसे ही हमारा वैल्यू जो होता है j इज इक्वल टू ये पहुंचता है या फिर j इज इक्वल टू 1 रहता है, यानी मतलब ये है
या तो पहले कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर के लिए कंडीशन है। अगर पहला कैरेक्टर है तो डेफिनेटली वो प्रिंट करेगा, और अगर लास्ट कैरेक्टर है तो वो प्रिंट करेगा। तो इसके कंडीशन के लिए हमने ये वाला कंडीशन लगाया कि जे इज इक्वल टू वन, यानी फर्स्ट कैरेक्टर एंड द लास्ट कैरेक्टर अगर सेटिस्फाइड करेगा तो, अगर एक ही बार सेटिस्फाइड होगा तो एक ही प्रिंट होगा। तो ये फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर ये प्रिंट करेगा, ये लूप एक बार चलेगा क्योंकि, और एक बार चलने से एक ही बार प्रिंट होगा कैरेक्टर और उसके बाद बाहर, अगर दो बार चलता है तो इसका मतलब दो कैरेक्टर प्रिंट होगा। तो कंडीशन ऐसे बैठाया गया है कि फर्स्ट टाइम वो एक ही बार चलेगा और उसके बाद वो प्रिंट। अब सेकेंड टाइम में क्या होगा, यानी सी इज इक्वल टू जब टू मेंशन करेंगे तो यहां पे अगर ये एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो टोटल थ्री आएगा। तो थ्री में तो जे इज इक्वल टू वन पहले में कैरेक्टर प्रिंट करेगा, और थ्री आता फिर जे इज इक्वल टू थ्री पे कैरेक्टर प्रिंट करेगा, बाकी समय स्पेस प्रिंट करेगा। तो देख सकते हैं कि मैंने जो ऊपर जो पैटर्न बनाया है, ये आप राइट हैंड साइड में जो पैटर्न बनाया है, ये पैटर्न देखिए किस तरह से स्मूथली काम कर रहा है। यानी फर्स्ट लाइन के लिए ये जो सेकंड लास्ट वाला जो ये फर्स्ट लाइन की बात कर रहे हैं तो ये लास्ट वाला कैरेक्टर भले सी वाले जीरो लिखे लेकिन वो प्रिंटिंग में आ नहीं रहा है। तो इस तरह से हमारा एक सिंपल सा जो ये कंडीशन हमने अप्लाई किया है, यू कैन सी दैट ये कंडीशन हमारा जो हमने वहां डिजाइन किया, जो एनालिसिस में हमने कैलकुलेशन किया, वो इसमें बैठ जा रहा सही। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स आपका वैल्यूएशन नहीं हो रहा है, सिंपल सा वैल्यूएशन हो रहा है। हम सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, टू इंटू सी कर रहे हैं, माइनस वन कर रहे हैं, एक एक्सप्रेशन जनरेट कर रहे हैं जिससे कि हमको लाइन नंबर के हिसाब से आपके पास टोटल नंबर ऑफ उसमें जितने कैरेक्टर है उसके हिसाब से आपको जो होता है वैल्यूएशन हो रहा है। और इस तरह से आप एस्ट्रिक को भी प्रिंट कर रहे हैं एंड एज वेल एज स्पेस को भी। तो जब तक कब एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, जब फर्स्ट कैरेक्टर रहेगा एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, लास्ट कैरेक्टर है एस्ट्रिक और उसके बाद इन बिटवीन स्पेस। उसके बाद अब यहाँ पे एक कंडीशन हमने लगा दिया कि सी की वैल्यू एक लेवल तक इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा फिर न्यू लाइन और इसके बाद रन कर। अब मैं आपको उसको रन करके दिखाता हूँ, वन बाय वन मैं आपको रन करके दिखाऊंगा तो जिससे कि आपको समझ में आएगा क्या होगा। तो मैं एफर्ट से इसको रन करता हूँ, तो चलिए देखते हैं कि कैसे काम करता है। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। नाइन ले लिया मैंने, अब देखिए ये जा रहा है इनसाइड द लूप। इनसाइड द लूप जैसे गया, मिडिल वैल्यू आपके पास जैसे कैलकुलेशन है, आप चाहे तो इसको वॉच करके एक हमारे पास वेरिएबल सॉरी ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप इसमें देख सकते हो कि एक्चुअल वैल्यू कैसे हो रहा है। तो चलिए मिडिल में आपके पास अगर नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे तो एन अपॉन टू मतलब 4.5 आएगा, एन मतलब 9 है तो 9 अपॉन 2 मतलब 4.5 जिसमें 0.5 डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि इंटीजर कैलकुलेशन है, एंड प्लस 5 तो 4 प्लस 5 मतलब मिडिल वैल्यू में 5 होगा। तो ये आप मान के चलिए कि अभी मिड वैल्यू में हमारा 5 वैल्यूएशन हो रहा है, 5 के बेस पर कैलकुलेशन हो रहा है। इसके बाद जो होता है सी, सी इज इक्वल टू 1 हमने लिया था तो 5 माइनस सी, यानी आपके पास समझ में आ गया कि 5 माइनस सी यानी 4 नंबर ऑफ स्पेस गोइंग टू बी प्रिंट, 1 2 3 4 हो गया आपके पास प्रिंटिंग। इसके बाद कैलकुलेट होगा 2 इंटू सी, 2 इंटू सी का मतलब होता है सी अभी 1 है करंटली, तो 2 इंटू सी मतलब 2 माइनस 1, 2 इंटू सी मतलब 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 यानी 1 आया। तो इसका मतलब है कि ये एक बार चलेगा, तो एक बार क्या चलेगा, एक बार जो भी चलेगा आप देख सकते हैं कि एक बार प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब है कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है कि दूसरा कैरेक्टर जो प्रिंट होगा। हमने जो देखा कि दूसरा फर्स्ट लाइन में सी इज इक्वल टू दूसरा कैरेक्टर जीरो है तो ये होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये बाहर आ जाएगा। देखिए बाहर आ गया, फर्स्ट केस में सॉल्व हो गया, सी की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब सी की वैल्यू अब कितना प्रिंट होगा क्योंकि सी इज इक्वल टू 2 हो गया, मिडिल वैल्यू आपके पास 5 है तो 5 माइनस 2 यानी 3 प्रिंटिंग होना चाहिए, 1 2 3 तीन बार प्रिंट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी की वैल्यू 2 है, 2 2 4 और 4 माइनस 1 मतलब 3, तीन बार प्रिंट होना चाहिए। तीन बार प्रिंट में दो बार एस्ट्रिक होगा और बीच में जो होता है एक बार स्पेस होगा। तो चलिए देखते होता है कि नहीं। तो देखिए फर्स्ट केस मिल गया क्योंकि जे इज इक्वल टू 1 है तो फर्स्ट में एक प्रिंट हुआ, एस्ट्रिक प्रिंट हुआ, चलिए बाहर आ गया। अब देखिए स्पेस प्रिंट होगा, 1 स्पेस प्रिंट हुआ फिर बाहर आ गया। अब तीसरा जो कैरेक्टर प्रिंट होना चाहिए क्योंकि आप कहां पहुंच गए, थर्ड लाइन में, जे इज इक्वल टू 2 इंटू सी माइनस 1 जो होता है वो थर्ड लाइन बात कर रहा है। तो देखिए प्रिंट हुआ बाहर आ गया। तो इसको मैं और फिर फास्ट रन करके दिखाता हूं आपको कि अब नंबर ऑफ स्पेस कम हो गया। अब देखिए यहां पे आपके पास 1 हुआ, 3 हुआ, अब 5 आएगा। 5 मतलब जिसमें से 4 स्पेस होगा और 2 कैरेक्टर होगा। तो पहला कैरेक्टर प्रिंट हो गया, अब 4 स्पेस प्रिंट होगा। तो देखिए ये फर्स्ट स्पेस, सेकेंड स्पेस, थर्ड स्पेस और लास्ट। तो टोटल आपके पास टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 5 हो गया, तो जिसमें 2 कैरेक्टर हो गया और 3 स्पेस हो गया। सॉरी मैं 4 बोल रहा था, एक्चुअली 3 स्पेस है। टोटल नंबर ऑफ जो उस पर्टिकुलर प्रिंटिंग है उसमें 5 प्रिंटिंग होगा, 2 एस्ट्रिक प्रिंटिंग और एक 3 स्पेस प्रिंटिंग, टोटल 5। तो 3 बार 5 हो गया। तो चलिए मैं इसको और नेक्स्ट रन करके दिखाता हूँ। देखिए
अब आपके पास 5 के बाद 7 आएगा, तो 7 इस तरह से 7 आया, तो देखिए नीचे जो होता है वो प्रिंट हो गया। अब देखिए उल्टा हो रहा है, आप देखिए ये प्रिंट हो रहा है, ये देखिए प्रिंट हो रहा है, बीच वाला यानी जो मिडिल वाला पोर्शन है आपको मैं दिखा देता हूँ आउटपुट, यू कैन सी दैट, ये देखिए ये वाला प्रिंट हो रहा है। सो ये प्रिंट हो रहा है, अब जो है जे की वैल्यू उस तरह से कैलकुलेट देख सकते हैं, एक बार एस्ट्रिक फिर बार बार मल्टीपल टाइम ये प्रिंट हो रहा है, स्पेस प्रिंट हो रहा है, ये हो गया। अब देखिए एक बार कैरेक्टर प्रिंट हुआ, अब हम नीचे आना शुरू हो गए, क्योंकि अब जैसे हमने बीच वाला हो गया, 5 पहुंच गए, 5 के बाद जो होता है हम छठवे लाइन में पहुंच गए, छठवे लाइन में आपके पास जो होता है टोटल नंबर ऑफ स्पेस उस हिसाब से प्रिंट होगा। तो देखिए तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि कैसे, तो मैं कंट्रोल F9 करके उसको पूरा रन करके आपको दिखा देता हूं। तो दिस इज द वे कि आप इसको जनरेट कर सकते हो। तो बहुत सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि पैटर्न प्रिंटिंग अगर आप करते हो तो बहुत इजी वे में अंडरस्टैंड करके जो आपके पास वेरिएबल लिया हुआ है उसी का यूज करना है, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन या कॉम्प्लेक्स इफ देन एल्स यूज करने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल वे में आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है कि यहाँ जो मैंने इफ लगाया है बहुत बेसिक तरीके से लगाया है कि जब उसको पहला कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर की प्रिंट करने की बारी आएगी तब एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो जो होता है स्पेस प्रिंट करेगा, यानी इन बिटवीन जो स्पेस है और कैरेक्टर है उनको मैंने दोनों को साथ में लेके काम किया। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम, तो ऐसे ही आप कॉम्प्लेक्स पैटर्न को भी ड्रॉ कर सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना है कि एक्सप्रेशन बहुत सिंपल फॉर्म में होना चाहिए जिस जो कि अंडरस्टैंडेबल हो और आप खुद भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं और मशीन के लिए वो इजी हो। तो ये इस तरह से आपको क्लियरली समझ में आ गया कि एक पैटर्न को डिजाइन करने के लिए जो कि कॉम्प्लेक्स भी हो उसको आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आप लाइक करेंगे तो मैं उसको डेफिनेटली कमेंट्स करूंगा और जितनी ज़्यादा हो सके कि जो नो वॉइस यूजर है या जो नए नए सीख रहे हैं उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि उनको ये जो लॉजिक डेवलपमेंट है उनका हो सके। तो चलिए दोस्तों वंस अगेन थैंक यू, धन्यवाद।